खबर शुभी लाइव, आपकी खबर तेजसर। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी लगातार यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय राजनीति में हैं और लगातार दौरे कर आम जनता के दिलों तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई हैं। मगर प्रियंका गांधी के इन प्रयासों को बीजेपी के एक विधायक जी बेहद हल्के में लेते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक जी का कहना है कि प्रियंका गांधी चुनाव आते ही टूर उत्तर प्रदेश में साइबेरियन पक्षी की तरह टूर करने आ जाती हैं। हर्रैया विधानसभा के बीजेपी विधायक अजय सिंह से जब एक संवाददाता ने प्रियंका गांधी को लेकर सवाल कर लिया तो विधायक जी आग बबूला हो गए और प्रियंका गांधी की तुलना एक साइबेरियन पक्षी से कर दी। विधायक जी ने कहा कि प्रियंका ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया है, जो कोई नई बात नहीं है। जब यूपी और देश में योगी व मोदी जी की सरकार आई है तब से लड़कियों में ताकत आई है और वे अपने सम्मान के लिए खुद लड़ सकती हैं। इस सरकार में लड़कियां स्वावलंबन बन रही हैं। ये बात प्रियंका जी को सिखाने की जरूरत नहीं है। 2012 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके विधायक अजय सिंह ने दावा किया कि अब किसी गांव में कांग्रेस नहीं है, मतलब कांग्रेस के वोटर और सपोर्टर अब ढूंढे नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी बस पर्यटन करें, घूमें और फिर चली जाएं, उन्हें यहां कुछ मिलने वाला नहीं है। प्रियंका के साथ लुभावने वादे को विधायक ने सिर्फ एक छलावा करार दिया है और कहा कि ऐसा कोई वादा कांग्रेस पूरा नहीं कर पाएगी। प्रियंका गांधी को सलाह देते हुए विधायक ने कहा कि प्रियंका की जगह दिल्ली है और उन्हें वहीं रहना चाहिए। बीजेपी सरकार का बखान करते हुए विधायक अजय सिंह ने कहा कि आने वाले चुनाव में हम फिर से सत्ता में आ रहे हैं और कांग्रेस कहीं से भी एक सीट नहीं जीत पाएगी। कहा कि बीजेपी सरकार में गरीब, महिला, मजदूर सभी वर्ग के लोगों को फ्री राशन से लेकर आवास तक दिया जा रहा है, जो इससे पहले की सरकार में बहुत कम देखने को मिलता था। यूपी की लड़की हूँ, यूपी बदल सकती हूँ, मैं एक लड़की हूँ, यूपी बदल सकती हूँ। क्या यूपी बदल पाएंगे प्रियंका गांधी आने वाले चुनाव को लेकर, ऐसा लगता है? देखिए, जब से योगी और मोदी सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और देश में मोदी जी की सरकार, ऑटोमेटिक देश की लड़कियां, प्रदेश की लड़कियां बदल चुके हैं। उन्होंने उनका राज भी देखा है और योगी जी और मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी का राज भी देख रहे हैं। आज के डेट में आधी आबादी जागरूक हुई है, आधी आबादी ने काम करना शुरू किया है और ये कोई काम कराने के लिए कोई प्रियंका जी के लिए सिखाने वाले नहीं है, वो स्वयं सीखी हुई है लड़कियां हैं, वो संस्कार जानती हैं, वो स्कूल जाती हैं, वो अपने स्वावलंबन के लिए काम कर रही हैं, तो कोई नई चीज थोड़ी है, ये कोई नई चीज नहीं है। सात वचन कह के सात लुभावना, सात छलावा है, उल्टा छलावा है। उत्तर प्रदेश की जनता उल्टा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कहीं भी कांग्रेस नहीं है, किसी गांव में कांग्रेस है ही नहीं, किसी गांव में कांग्रेस नहीं है। जितने पुराने कांग्रेसी तथाकथित थे सब बहुत लांग लांग एगो दियर वाजे हो गया है, अब कहीं बचा नहीं है कुछ। बस ये सिर्फ आए और पर्यटन करके अपना पर्यटक बन के घूम के चली जाए, कुछ मिलने वाला नहीं उत्तर प्रदेश में। साढ़े चार साल प्रियंका गांधी दिल्ली में रहती है, जब चुनाव आता है जिस राज्य में वहां पहुंच जाती है, इसको क्या मानते? तो कह तो रहा हूँ कि ये चुनावी पर्यटक है, जैसे साइबेरियन पक्षी जो वहां पे वातावरण प्रतिकूल होता है तो अनुकूल वातावरण की तरफ चले जाते हैं, तो इसी तरह से है। उनकी जगह दिल्ली है, आराम से दिल्ली में रहे और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, परमानेंट खड़ी है। ना हो तो जाकर के रूट लेवल गांव गांव सर्वे करा के आप देख लीजिए। गरीबों को इतनी बड़ी संख्या में आवास दिया गया, सबको महीने में दो बार राशन दिया जा रहा है। अभी हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार 1 करोड़ युवाओं को लैपटॉप देने जा रही है, स्मार्टफोन मेरी सरकार देने जा रही है। हमारी सरकार ने सभी गरीबों की चिंता की, सबको गैस उपलब्ध कराया, सबको शौचालय उपलब्ध कराया। पहली बार पूरे उत्तर प्रदेश में हर गांव सभा में आप देख रहे हैं पंचायत भवन बन रहा है, सार्वजनिक शौचालय बनकर तैयार हो गया है। तो ये उत्तर प्रदेश पूर्णतः बदलाव की ओर है और योगी जी की सरकार में और मोदी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास है, युवाओं को विश्वास है, महिलाओं को विश्वास है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। एक सुई की नोक के बराबर भी कांग्रेस हो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, इनका सबका चरित्र देख चुकी है जनता यहाँ की। चलिए अभी बता रही कांग्रेस कितनी सीट जीतेगी? कांग्रेस, आपको क्या लगता है? आप तो मीडिया वाले, आप तो लगातार सर्वे करते हैं, आप बताइए कितनी सीट जीतेंगे? आप भी लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं और जनहित के मुद्दे आप उठाते रहते हैं, जनहित के।
ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।